हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे आप पार्ट नंबर 3 जो कि होंगे कंप्यूटर पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका विश्व का प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ओके, तो इसके ऑप्शन है एटसैक, एबेकस, इनियाक और एडवाइक। ठीक है, तो सबसे पहला जो विश्व का प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था इनियाक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नहीं अब बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। विश्व का प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। और एबेकस क्या होता है? एबेकस पहले गिनती सीखने का या नंबर सीखने का एक इंस्ट्रूमेंट था। एक तो उसमें क्या होता था कि एक लकड़ी का चारों तरफ फ्रेम होता था और उसमें जो बीच में है वो वायर होते थे और वायर में छोटे से एक जो बॉल टाइप के हैं वो बॉल लगे होते थे और उनको बच्चे उनको एक एक करके एक साइड में उसको सरका कर गिनती करना सीखते थे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 और जो जो ये नंबर्स हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 1 2 3 है वो सिखाया जाता था एबेकस के माध्यम से। पर अब ये इंस्ट्रूमेंट देखने को स्कूलों में नहीं मिलता है। ओके, तो वो हो गया एबेकस। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शंस चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपियर, ब्लेज पास्कल, जॉन वॉन न्यूमैन। ओके, तो इसके जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। फ्रेंड्स जो भी ये मेरे वीडियोस कंप्यूटर्स के हैं जो कि आप देख रहे होंगे किसी भी चैनल पर अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, स्पेशली जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन जो भी यूट्यूब चैनल करवा रहे हैं तो उस पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे चैनल पर आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो चल रहा है सीरीज, इसमें कंप्यूटर्स के जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो कंफर्म मैं कह रहा हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। ओके, तो थर्ड है कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और उपरोक्त सभी। और तो इसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में। ओके, और नेक्स्ट हमारा है सुपर कंप्यूटर, एक साथ बहुत सारे यूजर्स को डाटा प्रोसेस करता है, भी ये सर्वाधिक तीव्र व महंगा कंप्यूटर है, ये बड़े संगठनों में उपयोग होता है, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या है? एक साथ बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करता है, ये सर्वाधिक तीव्र व महंगा कंप्यूटर है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ठीक है, यानी क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर की बुनियाद संरचना, यानी कि बेसिक जो इंफ्रा बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था कंप्यूटर के बुनियादी संरचना की, तो किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, बी चार्ल्स बेबेज ने, सी ब्लेज पास्कल ने, डी टिम बर्नर्स-ली ने। ओके, तो जो कंप्यूटर की बुनियाद संरचना यानी बेसिक आर्किटेक्चर है उसका विकास किया था किसने किया था? ये किया था आपके चार्ल्स बेबेज ने, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रे, CRAY, क्रे क्या है? ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी सुपर कंप्यूटर। तो क्रे है एक क्या? ये है आपका एक सुपर कंप्यूटर। ओके, एक सुपर कंप्यूटर है, यानी डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर को आईसी के उत्पादन में, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते हैं? तो अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप। ओके, इंटीग्रेटेड चिप होता है, इसका फुल फॉर्म आई से इंटीग्रेटेड और सी मीन्स होता है चिप।
इसके प्रोडक्शन में उत्पादन में किस धातु का उपयोग होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन। ऑप्शन है सिलिकॉन, प्लेटिनम, तांबा और चांदी। तो इसमें जो आईसी बनती है वो किससे बनती है? वो बनती है सिलिकॉन से, सिलिकॉन से आईसी बनाई जाती है। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका जो सीडेक ने, आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी दिल्ली ने एंड बार्क ने। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसमें इसमें आपका आंसर क्या होगा? ये होगा आपका सीडेक। और सीडेक इसका फुल, सीडेक ने क्या किया था, जो सुपर कंप्यूटर परम था उसका विकास किया था सीडेक ने। और आपका फुल फॉर्म अगर बात करें तो क्या होगा? सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म होगा सीडेक का। ओके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एकीकृत परिपथ यानी आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, किस जनरेशन? जैसे कि हम देखते हैं ना कंप्यूटर में कि लोग पूछते हैं आपका जो लैपटॉप है किस जनरेशन का है, फोर्थ फिफ्थ जनरेशन का। तो यहाँ पे जनरेशन की बात की जा रही है। तो एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? ये हुआ था आपके किसका? ये हुआ था आपके तृतीय पीढ़ी का, यानी कि थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हुआ था एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट हमारा है, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1978 में, 1942 में और 1979 में और डी 1980 में। तो 1900 इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1979 में, यानी कि 1979 में, 1979 में विश्व का पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटरों को, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट डॉट के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? ये एक नेटवर्क के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं तो उनको, जैसे आपने देखा होगा किसी ऑफिस में या किसी एक रूम में या किसी साइबर कैफे में जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको कैसे किया जाता है, एक दूसरे नेटवर्किंग के माध्यम से उनको कनेक्ट किया जा सकता है। और इसके माध्यम से क्या कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं, इजली जो सभी इजली आप एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेज सकते हैं, क्योंकि उसका एक मेन क्या होता है, सर्वर भी होता है। नेक्स्ट हमारा है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, मैग्नेटिक डिस्क और इंटीग्रेटेड सर्किट और सीपीयू। ठीक है, तो एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट होगा।
नेक्स्ट है 13। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? ओके तो कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी लैपटॉप और डी नोटबुक। तो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर क्या है? यह है आपका सुपर कंप्यूटर, यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज होती हैं? कितनी फंक्शन कीज होती हैं? तो ए होगा 10, बी होगा 12, सी होगा 8 और डी होगा 9। तो कीबोर्ड पर कितनी टोटल फंक्शन कीज होती हैं? ये होती हैं 12 फंक्शन कीज। ओके, अस्थायी मेमोरी होती है, क्या होती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो अस्थायी मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी है, द्वितीयक मेमोरी से अधिक तीव्र होती है, ये द्वितीयक मेमोरी से अधिक महंगी होती है, सी इसमें डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, ये सीमित मात्रा में ही लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये डाटा, इसमें डाटा क्या होता है? स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी मेमोरी जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होते हैं। ऑप्शन से रैम, बी रोम और सी हार्ड डिस्क और डी फ्लॉपी डिस्क। तो ऐसे मेमोरी जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होते हैं, इनको क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी जिसे कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? निम्न से कौन सीपीयू का भाग है? ऑप्शन से माउस, बी प्रिंटर, सी एलयू और डी कीबोर्ड। ठीक है, तो इसमें सीपीयू का भाग कौन सा है? यह है आपका ALU, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और 19 है आपका, प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की तुलना में क्या होती है? धीमी तथा सस्ती होती है, तीव्र तथा सस्ती होती है, तीव्र तथा महंगी होती है, धीमी तथा महंगी होती है। तो ये क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की तुलना में क्या होती है? तीव्र तथा महंगी होती है। ओके, नेक्स्ट है, सीपीयू में शामिल है क्या है? केवल एलयू, केवल सीयू, एलयू तथा सीयू और कोई नहीं। तो इसमें होती है सीपीयू में शामिल सी, ELU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो इसमें आपके इतने क्वेश्चंस हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके UPSC स्टार्टनर्स के और जो अदर एग्जाम्स हैं जिसमें कि कंप्यूटर्स पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर इसका लिंक शेयर करिए, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे और लोगों को भी इससे स्टडी मटेरियल उनको भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।